Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर से सोरायसिस को लेके. डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टी विटामिन खाते हो, कहते हैं एकदम से हमारे यहाँ फंस गया और हमने वो मल्टी विटामिन खा लिया, अब खाना खाने की तो शायद ज़रूरत नहीं है. और एक जो मल्टी विटामिन है जो एक ब्रांड का है कोई सा भी है, वो कितने अरसे तक काम करता रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत जल्दी चेंज करना. बिल्कुल सही कह रहे हैं. फिर आपके एक प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हमारा शैम्पू चेंज होना चाहिए. जी बिल्कुल. टूथपेस्ट चेंज होना चाहिए. इस तरह विटामिन भी चेंज होने चाहिए. डॉक्टर साहब, लेकिन कितने कितने दिनों में? 4-5 महीने में. मतलब एक बॉटल जो है वो चलती ही मेरे ख्याल से 2 महीने तक है, अगर डेली खाएं. अगर डेली खाएं, समटाइम्स अगर चॉइस भी रिक्वायर्ड होता है तो 1 महीने भी खत्म हो जाती है, दोबारा उसको कंटिन्यू करें. 2-3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. विटामिन बिल्कुल फंसते नहीं है. ठीक है, आप उसका क्या करें, अगर आपसे नहीं खाए जाते, आप क्रश करके दूध के साथ मिला के ले लें. दूध का मतलब ये 2 किलो दूध नहीं है, 2 घूंट दूध है. ठीक है, 2 घूंट के साथ आप पी लेते. हमारे साथ हुमैरा है फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं हुमैरा? गुड मॉर्निंग. डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने अभी ब्रेक से पहले विटामिंस की बात कर रहे थे. जी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बाहर जो जितने भी विटामिंस इतनी सारी फार्मेसी से मिल रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूटेबल है हमारी स्किन के लिए, नेल के लिए और हेयर के लिए? तो हुमैरा, अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रही थी ना? जी. तो मैंने क्या कहा था कि कभी ये देखिए, ये ग्रोसरी नहीं है कि आप जाके आटा, दाल, चावल, चाय की पत्ती, आपने साथ में साबुन लिया और 2 विटामिन के डिब्बे डाले, ये आप डॉक्टर से पूछेंगी ना? जी. अच्छा. जी, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी विटामिंस के लिए बारे में आप हमें थोड़ी सी और, मैं आपको विटामिन की डिटेल बताता हूं. देखिए बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज है हुमैरा. ऑफ कोर्स, जो विटामिन भी जो है वो भी आपको डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए. बिल्कुल. क्या पता आपकी बॉडी में एक्चुअली किसी चीज की ज्यादती हो, रिक्वायर्ड ना हो, या कुछ चीजें आपके लिए रिएक्शन कर जाए. ठीक है. अच्छा, बिल्कुल हुमैरा का बड़ा अच्छा सवाल है. हुमैरा ने सही किया. देखिए, आप जिस तरह से आप अपनी मर्जी से जाके शैम्पू खरीद सकते हैं, आम हालात में तेल लेते, आटा लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चना लेते हैं, जो भी लेते हैं, मगर आप दवा नहीं ले सकते. ठीक है, तो वो हमेशा डॉक्टर से पूछा करें. इसी तरह क्या हो गया, नेट पे बहुत सारे ब्रांड्स के ना. नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं ना आजकल, तो आजकल एक ट्रेंड है गमीज का. जी, ये गमीज, वो गमीज, स्लीप वेल गमीज, या बालों के गमीज, तो ये बहुत सारे एक बिल्कुल वो बहुत ही मजे के होते हैं, लाइक टॉफीज. देखें तो आप टॉफीज के लिए टॉफी खा लिया करें. अच्छा. आप इसमें मत दिल लगाएं. ठीक है, क्योंकि ये इन द लॉन्गर रन आपको, हाँ देखिए, तुक्का जब तक चल रहा है ना, देखिए अगर आप हेलमेट के बगैर बाइक पे, आपको कहते हैं हेलमेट लगाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट होगा ही, इसलिए कहते हैं कि हो भी सकता है. ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि विटामिन आप खुद अपनी मर्जी से ना लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाएंगे तो रिएक्शन होगा ही. हो सकता है आप 10 साल मजे करें, 15 साल मजे करें, 16वें साल ऐसा झटका लगे कि आप दिमाग, हाँ है ना. तो देखिए, आप लोग समझते हैं जी, अब एक लड़के को कहा, मैंने कहा देखो, बड़ा कम मुलाकात हुई, मैंने कहा कि देखो आप प्लीज़ ज़रूर पहना करो हेलमेट, बड़ा खतरनाक है. मेरा तो आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ. तो यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा, फिर हेलमेट पहनेंगे? तो आप प्लीज़ हमारा इंतज़ार ना करें कि असर साहब ने जो आपको गमीज बताई वो खाएं और उसके बाद खाती रहें, 16वें साल झटका लगे तो आप दोबारा T1 में रहेंगे, जो कि 16 साल के बाद T1 में रिंग करेंगे और मैं ही बैठा होंगे, असर होस्ट कर रहे होंगे. तो फिर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था ना 2022 में. हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता. आप जो कुछ भी दवाई के फॉर्म में खा रहे हो, डॉक्टर के कंसल्टेशन से जरूर, कंसल्टेशन के बाद वो खाइए. डॉक्टर साहब, तो ये सोरायसिस से रिलेटेड कौन से विटामिन हैं जो आपके ख्याल से लेते रहे? विटामिन ई, विटामिन के और सेलेनियम. सेलेनियम जो होता है मछली में, जो होता है प्रॉन्स में, जो होता है गार्लिक में. ठीक है, ये मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट आप जरूर खाया करें. ठीक है, और मछली हफ्ते में एक दफा जरूर खाएं. ठीक है, प्रॉन्स का इस्तेमाल हो गया. और एक चीज बड़ी कॉम, हमारे यहाँ लोग वैसे तो बड़े पिज्जा में खा लेते हैं, मगर वैसे कहो तो उनको अच्छा नहीं लगता, मशरूम वो जरूर खाने चाहिए आप.